हमीरपुर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप पठानिया ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है और प्रचार अभियान के दौरान पठानिया ने कोहली, मटन सिद्ध, साईं, भीड़ा में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। इस अवसर पर कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन भारती, पार्षद डीडी सहनसा भी मौजूद रहे। कुलदीप पठानिया ने कहा कि लोगों को कांग्रेस के प्रति रुझान है और लोग बीजेपी की केंद्र सरकार की नीतियों से परेशान है। पठानिया ने दावा किया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्य को देखते हुए लोग कांग्रेस में वोट करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप पठानिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करती अपितु विचारधारा की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को बहुमत से लोग जिताएंगे। पठानिया ने कहा कि जीएसटी, नोटबंदी से परेशानी और विकास के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे वोट मांग रहे हैं। दुग्गा पंचायत और ध्रोक पंचायत में चली है इस वक्त तक, इसके आगे ध्रोक पंचायत में जाएंगे, इसके बाद डेढ़ में टिकर में जाएंगे। तो हमने सबसे पहले जो हमने लाड़ से शुरू की है, लाल, लाड़, गजरेड़ा, बसंदेड़ा और सुंदरी और ये साई, ये अभी तक यहाँ तक मीटिंगें की। इसके आगे हम ध्रोक पंचायत में एंटर करेंगे और जहाँ जहाँ भी मैं किया लोगों का बड़ा उत्साह है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान है और लोग जो है वो जो बीजेपी की जो केंद्र में सरकार बनी है, मोदी की सरकार बनी है, उसके जो कार्यप्रणाली है उससे परेशान है, नाखुश है। और जो वीरभद्र सिंह जी ने 5 साल में हिमाचल प्रदेश में विकास की गति दी है, लोगों का जो हर वर्ग का जो ख्याल रखा है उसके ऊपर लोगों में बड़ा उत्साह है और माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विकास के कार्यों को देखते हुए और कांग्रेस पार्टी के वर्षों से इस देश को विकास में आगे ले जाने का जो कार्यक्रम कांग्रेस ने बनाया है उसके लिए लोगों में एक विश्वास है, उत्साह है कि इस बारी जो है वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनकी जीत लोग निश्चित करने जा रहे हैं। व्यक्ति विशेष के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये पार्टी का चुनाव होता है, चाहे उसमें पूर्व सीएम हो तब भी बीजेपी का वोट होता है, चाहे कोई दूसरा आए तब भी बीजेपी का भूल का और हाथ का मुकाबला होता है। हम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, हम पार्टी की विचारधारा से लड़ना चाहते लड़ते हैं। जो हमारी विचारधारा है वो गरीब की है, मजबूर की है, किसान की है, बागवान की है और जो दूर दराज के लोगों की है और गरीब आदमी के साथ संबंध रखती है। हम उस विचारधारा के लोग हैं जिसकी वजह से आज देश 70 साल की लंबी दौड़ में दुनिया के उन 5 मुल्कों में खड़ा हो गया जिनकी आबादी जो है हमारे देश से आधी भी नहीं है मिला के सबकी। तो ये एक हमारा जो चुनाव होता है ये व्यक्ति विशेषता नहीं, ये पार्टियों के साथ होता है और विचारधारा का चुनाव है। और जो केंद्र की सरकार जो फेलियर है उसके उसके साथ जा रहे हैं, जिस तरह नोटबंदी के साथ, जीएसटी के साथ जो लोगों के और व्यापारियों के साथ जो कुठाराघात किया है, नोटबंदी के साथ आम गरीब आदमी लाइन में लग के एटीएम के बाहर बैठ खड़ा होकर परेशान हो रहा है। आप 4 बार अपना पैसा एटीएम से 1 महीने में निकाल सकते हैं, अगर 5वीं बार निकालेंगे तो आपको 150 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ऐसी जो चीज़ें हैं लोगों को छू रही हैं और लोगों में इन ऐसे नियमों से जो है वो रोष है और इसलिए वो कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं। अपनी जीत के प्रति मैं 100% आश्वस्त हूँ।